तो गाइस YouTube मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाने के बाद आपके पास भी कुछ इस टाइप का मेल आएगा YouTube की तरफ से, YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए, कि आप अप्रूव्ड हो चुके हो। मेरे को भी ये मेल आया लगभग 2 डेज के अंदर आ गया था सिर्फ ये मेल, बट अभी 10 डेज हो चुके हैं इसको, 10 दिन हो चुके हैं मेल आए हुए। तो 2 दिन लगे सिर्फ मेरे को YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर आने के लिए, मैंने अप्लाई किया और 2 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और मोनेटाइजेशन की बात क्या होता है, हम अपने चैनल में जो वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद उन वीडियोस के थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं। और पैसे कैसे कमाते हैं, एडवर्टाइजर्स होते हैं वो ऐड रन करते हैं यूट्यूब के ऊपर, हमारी वीडियो के ऊपर ऐड शो होते हैं वो, और उसके पैसे हमें मिलते हैं, कुछ परसेंट हमें मिलते हैं, कुछ परसेंट यूट्यूब के पास जाता है। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक ये है कि मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ 2 दिन के अंदर, आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होता है 2 दिन के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले, ताकि आपका चैनल रिजेक्ट ना हो। क्योंकि अगर एक बार चैनल रिजेक्ट हो गया यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए, तो फिर 30 डेज बाद अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद भी फिर दोबारा रिजेक्ट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यूट्यूब मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। स्टार्ट। अब यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए सबसे पहले चीज़ जो जरूरी है वो 4000 आवर का वॉच टाइम। आपके चैनल के ऊपर 4000 घंटे हो चुके हो, जो व्यूअर्स उन्होंने टोटल 4000 घंटे की वीडियो देख ली हो आपकी। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है 1000 सब्सक्राइबर्स, आपके चैनल के ऊपर टोटल 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हो, कम से कम मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 आवर का वॉच टाइम चाहिए, उसके बाद ही हम लोग यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बात करें कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले मैंने क्या क्या चेंजेस किए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने टोटल मिला के 5 वीडियोज़ डिलीट करी अपने चैनल से। और वो क्यों करी, क्योंकि वो वीडियो मेरे मेन थीम से बिल्कुल अलग थी, मेरी नीश से अलग थी। उन वीडियोज़ का टॉपिक क्या था, उन वीडियो का टॉपिक था फोटो एडिटिंग के ऊपर, कि फोटोज़ कैसे एडिट करते हैं लाइटरूम के ऊपर, प्रीसेट्स के ऊपर। काफ़ी अलग टाइप की वीडियोस थी, जो मेरा मेन थीम है चैनल का उससे काफ़ी अलग थी, डिफरेंट थी। तो सबसे पहले चीज़ यूट्यूब बोलते हैं आपके चैनल के ऊपर एक मेन थीम होना ज़रूरी है, मतलब आपका यूट्यूब चैनल जो एक टॉपिक के ऊपर होना ज़रूरी है, एक नीश होना ज़रूरी है, उसी के अराउंड आपको कंटेंट क्रिएट करना है। और अगर आप लोग अलग अलग नीश के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हो, कभी एंटरटेनमेंट और कभी टेक्नोलॉजी, अलग अलग फील्ड में, तब चांसेस है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे चैनल के ऊपर भी कुछ ऐसी वीडियोस थी स्टार्टिंग में जिसको मुझे डिलीट करना पड़ा। तो सेकंड जो सबसे मेन चीज़ है वो है, जिस वीडियो में आपके चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उस वीडियो को यूट्यूब देखता है बहुत फोकस से, बहुत ध्यान से देखता है। मतलब अगर वो वीडियो में कुछ कमी है, गलत है वीडियो, तो हो सकता है आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। इसलिए आप देख लो कि आप कंटेंट अच्छा क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपकी कोई भी वीडियो वायरल जा सकती है, कोई भी पॉपुलर हो सकती है। तो अगर आपको बाद में उसे डिलीट करना पड़े तो आपका वॉच टाइम गिर सकता है, आप मोनेटाइजेशन से पीछे हट सकते हो। तो आपको हर एक वीडियो ऐसी क्रिएट करनी है जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना दे मोनेटाइजेशन के लिए। तो अगर बात करें यूट्यूब देखता है कि आपकी वीडियो के अंदर जो आपके चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो है, यूट्यूब ने इसके बारे में खुद बता रखा है, आप वेब पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू देख सकते हो, गाइडलाइंस दे रखी है, उसको थोड़ा पढ़ सकते हो, उसके बाद आप लोग अप्लाई करना यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए। अब थर्ड मेन चीज़ है जो यूट्यूब देखता है वो है आपकी रिसेंट वीडियोस, जो आपने रिसेंटली अपलोड किए मोनेटाइजेशन के अप्लाई करने से पहले, और उसके साथ साथ जो अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हो वो वीडियोस रिव्यू ज़रूर होती हैं। और अगर मेरे चैनल के ऊपर बात करें, मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी वो थी 0 to 5K सब्सक्राइबर्स इन 10 डेज, मैंने कैसे कंप्लीट किए 5000 सब्सक्राइबर्स 10 डेज के अंदर, ये वीडियो थी मेरी लास्ट वीडियो जब मैंने अप्लाई किया था यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए। और अगर इससे पहले की वीडियो भी देखें, वो सारी वीडियोस भी क्लीन थी, बिल्कुल किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपको लगता है कोई वीडियो आपकी अगेंस्ट जा रही है यूट्यूब की गाइडलाइन के लिए, तो उस वीडियो को डिलीट कर दें। अब थर्ड चीज़ जो है वो है आपका मेन वॉच टाइम कहाँ से आ रहा है, जो आपके 4000 आवर वॉच टाइम है वो मेन आ कहाँ से रहा है, कौन से ट्रैफिक सोर्स क्या है आपके वॉच टाइम का, व्यूज़ का सोर्स क्या है। अगर मेरे चैनल की बात करें, ट्रैफिक सोर्स क्या है मेरा, 41% मेरा सर्च के थ्रू आता है, जो लोग सर्च करते हैं उसके बाद मेरी वीडियो क्लिक करते हैं जो उनका अपेयर होती है सर्च रिजल्ट में, और फिर उस वीडियो को वॉच करके वहाँ से मेरा 14% वॉच टाइम आता है। उसके बाद सेकंड ब्राउज फीचर से आता है, उसके बाद यूट्यूब एडवर्टाइजिंग से आता है, और फिर बाकी अदर यूट्यूब फीचर से। और अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स की बात करें तो 0.9% आता है। अब यहाँ पर एक टिप किया है कि आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ट्रैफिक आता है वो यूट्यूब के थ्रू ही आए, एक्सटर्नल ट्रैफिक ना आए इतना जितना वॉच टाइम यूट्यूब के थ्रू आपको मिले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू एक्सटर्नल ट्रैफिक जब आप मोनेटाइज करोगे अप्लाई करो तो उसमें। अब फिफ्थ मेन चीज़ जो यूट्यूब खुद बोलता है कि हम लोग चेक करते हैं, वो है किसी भी वीडियो का चैनल का मेटा डेटा, मतलब आपके चैनल के ऊपर थंबनेल कैसे हैं, कीवर्ड्स हो गए जो टैग्स आप लोग डालते हो, और डिस्क्रिप्शन हो गए, टाइटल हो गए, इसमें आप लोग कुछ स्पैम तो नहीं कर रहे हो, और साथ ही साथ कुछ मिसलीडिंग टाइटल तो नहीं डाल रहे हो। और अगर आप ज़्यादा लेवल पर क्लिकबेट भी करते हो तो उससे भी हो सकता है आपका चैनल रिजेक्ट हो जाए मोनेटाइजेशन के लिए।
तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। मिसलीडिंग टेक्स्ट, मिसलीडिंग टाइटल, ये सब चीज़ें नहीं डालने। कंटेंट कुछ और है लेकिन वीडियो के बाहर कुछ और है, ऐसा नहीं करना है। तो यूट्यूब इन सब चीज़ों को देखता है, उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज के लिए इनेबल करता है, मोनेटाइज इनेबल करता है। और अगर मेरे चैनल की पर्सनली यहाँ पर बात करें तो मेरे चैनल के ऊपर भी कुछ हद तक स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्लिकबेट रहता था मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले। लेकिन अभी अगर आप लोग मेरी रिसेंट वीडियो देखोगे तो मैं गूगल एड्स अकाउंट के, मैं बता रहा हूँ कि मैं गूगल एड अकाउंट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, और बाकी एक्शन ब्लॉग्स में मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उस चीज़ का, मैं गलत नहीं दिखा रहा हूँ। और 20 rupees में 1000 व्यूज ये सिंपली आए हैं, इसलिए मैं शो कर रहा हूँ, ये लिख रखा है। और अगर आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देखें, हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आर वॉच टाइम, इसमें मैं ऑडियंस को वही बता रहा हूँ जो मैंने पर्सनली किया है, 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आर का वॉच टाइम, वो भी 1 month के अंदर कैसे कंप्लीट किया, वही टेक्निक मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वही मैंने अपने थंबनेल में शो किया और टाइटल में भी लिखा है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, जो वीडियो के अंदर है उसी को आप लोग कैसा अच्छा बना के टाइटल एंड थंबनेल में डाल सकते हो। अगर ये वीडियो देखना चाहते हो ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, कैसे कंप्लीट कर सकते हो 1000 सब्सक्राइबर्स में 4000 आर का वॉच टाइम, मैंने कैसे किया वो मैंने उस वीडियो में शेयर किया है। तो ये 5 चीज़ें थी जो यूट्यूब खुद अपनी तरफ से बोलता है कि हम चेक करते हैं किसी भी चैनल को मोनेटाइज करने से पहले, और मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ, मैंने क्या क्या चीज़ें करी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया है। और साथ ही साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी मिल जाएगा जहां पर आप लोग जाके गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं यूट्यूब की, आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। Back.